हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो आप पहले से क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स तो आपने जब भी शुरुआत किया काउंटिंग नंबर आपने तभी से शुरू कर दिया जब आप नर्सरी में थे, तभी आपको पहले काउंटिंग शुरू कर दिया। 1 से 2 थे 1 2 3 4 5 इस तरह आपने काउंटिंग शुरू कर दिया था। अभी आप जो है उसका सिस्टम पढ़ेंगे कि पूरे नंबर्स किस तरह डिवाइड हैं, और फिर रियल नंबर के बारे में स्पेशल एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे रियल नंबर का ग्रुप कहते हैं, वो पढ़ेंगे। पूरे नंबर्स जनरली जो पूरा नंबर जितने नंबर सभी तक होते हैं वो दो सेट में डिवाइड हैं, और हमको एक सेट अभी पढ़ना है, एक सेट और हायर क्लासेस के में हम पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हायर क्लास में पढ़ते हैं। तो जो हायर क्लास में पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अभी हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जनरली जान जाए कि नंबर सिस्टम है क्या। जो हमने रियल नंबर हमें पढ़ना है क्लास 10th में, तो पहले हमें क्या पढ़ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने आपको क्या बताया कि आपके पास दो नंबर हैं, एक तो रियल नंबर, बड़ा सेट एक रियल नंबर का है जो आपको स्टडी करना है, और दूसरा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी आपको नहीं पढ़ना। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। वहां से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा, फिर वो किस फॉर्म में होता है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर होते, जैसे अंडर रूट माइनस 4 है, तो अंडर रूट माइनस 4 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, कोई भी उसकी रियल वैल्यू नहीं होगी। अंडर रूट में प्लस होता है तभी आप रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर को जिसका कोई रियल वैल्यू नहीं निकाल पाते उसका जो फॉर्म आता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आता है, और उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते। अभी हमको जो पढ़ना है वो रियल नंबर। तो रियल नंबर को वन बाई वन पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम रिकैप कर देते हैं कि वन बाई वन रियल नंबर कितने पार्ट में डिवाइड है। ये सबसे बड़ा सेट है। सेट आप जानते हो कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेट कहलाते हैं। तो सबसे नंबर का सबसे बड़ा सेट है जो अभी तक आपने पढ़ा है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में वो सारे प्रकार के नंबर आ जाते हैं जितने आप अभी तक जानते हो, जो आप जो भी नंबर जानते हो ऑल आर रिलेटेड विद द रियल नंबर। वो सारे किससे रिलेटेड है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है। अगर हम कहा जाए तो हम अगर इसको जनरली आपको अगर हम कह दें तो आप अगर हम पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दें तो एक भाग जहां पे आप रह रहे हो वो भाग पूरा रियल भाग, और जहां पे आप नहीं जानते हो जिसका आप कल्पना नहीं करते हो इमेजिनरी है, वो कल बियॉन्ड इमेजिनेशन जो कह सकते हैं वो केवल इमेजिनेशन है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी नंबर भी आते हैं। तो ये पूरा रियल पार्ट है, इतना पूरा ब्रह्मांड अगर आप समझ लो तो वो रियल पार्ट है, नंबर का ब्रह्मांड है पूरा, उसमें पूरा रियल आता है। तो ये पूरा आपका ग्लोब जो आ गया वो पूरे रियल नंबर का आ गया। अब इस रियल नंबर में पूरे ग्लोब में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत प्रकार के नंबर होते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं पूरे ग्लोब में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वैसे हमारे रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर पाए जाते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर ये पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर जिसे कहते हैं वो इतना बड़ा ग्रुप है। अब रियल नंबर में दो प्रकार के बेसिकली दो हिस्से बने हैं। रियल नंबर में अगर हम एक दो हिस्से इसके बना दें तो एक होता है रैशनल, एक होता है रैशनल और दूसरा है इरेशनल। अगर हम इस हिस्से को इस तरह बांटें तो कम सही लग रहा है, हमको लगता है कि अगर हम इसे ग्लोब में कर दें कि काफी हिस्सा रेशनल के पार्ट में आता है, तो हम इसे एक अन्य सर्कल में डिवाइड कर दें तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा कि ये पूरा हम इतना बड़ा सा रेशनल ले दें, इसको हम रेशनल कह दें, और ये जो बचा हुआ पार्ट है
जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। यानी आपके पास ये पूरे रियल नंबर में दोनों स्कूले के अंदर आया है, एक रेशनल है और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, इरेशनल। तो अगर आप डिफाइन करेंगे रेशनल को, तो इरेशनल डिफाइन करना चाहेंगे तो आप सिंपली कहेंगे व्हिच इज नॉट रेशनल, जो रेशनल में नहीं आता वो क्या है, इरेशनल है। वो रेशनल का इरेशनल कहाँ है, रेशनल के बाहर आ गया। रेशनल को मैंने इसलिए बड़ा कहा है कि रेशनल के अंदर वो सारे नंबर, जो भी आपने नंबर अभी तक पढ़े हैं, वो मैक्सिमम नंबर रेशनल में आ जाते, थोड़े नंबर इरेशनल पार्ट के हैं। तो रेशनल का अब हम रेशनल को देखते हैं कहां कहां से रेशनल का बोले में। रेशनल में हम रेशनल से नीचे जो आते हैं तो रेशनल किससे बनते हैं, रेशनल के हमें दो फॉर्म बने हैं। रेशनल जो है हम दो फॉर्म में बनाए हैं, एक तो इसी है दोनों एक ही फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। ये दो प्रकार से इसी पी बाई क्यू को, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट भी कर देते हो, यानी इसी फॉर्म को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यानी रेशनल नंबर इस तरह होता है कि वो आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और या डेसिमल में उसे कन्वर्ट कर देते हो। अब इसी रेशनल को आपने और पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल से छोटा आया तो आपने रेशनल कहां से बने, सारे इंटीजर से मिलने। पी बाई क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स। यानी रेशनल कहां से बना, इंटीजर से बना, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन है कि पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, रेशनल, वर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या है वो, इंटीजर्स है। बट क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इंटीजर्स में आपको पता है कि सारी चीजें आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है, वन भी आ जाता है और माइनस टर्म भी आ जाते हैं। तो रेशनल में आपको पता चल गया कि ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो जितने इंटीजर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, यानी ये पी बाई क्यू फॉर्म। तो अभी हम लोग वन बाई वन रेशनल पहले हो गया, रेशनल से छोटा क्या बना, इंटीजर्स, उससे छोटा क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स के नीचे क्या आता है, होल नंबर, होल नंबर, और होल नंबर के नीचे क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम इसको इस तरह के सर्कल में ही दिखाना चाहें तो हम इस तरह दिखाएंगे। अभी आपने देखा कि पहले छोटा सा एक नेचुरल नंबर बनेगा, ये नेचुरल नंबर है, इसमें एक और अंक जोड़ दिया गया है जीरो, इसमें जीरो अटैच कर दिया तो ये होल नंबर का बन गया। ये पूरा सेट किसका बन गया, होल नंबर का बन गया। तो ये बोला होल नंबर का बन गया। अब ये सारे सारे रेशनल में है, ये सारे रेशनल के अंदर है, होल नंबर हो गया। और बड़ा कर दिया गया थोड़ा सा ये जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर सारे हो गए, तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बाद पूरा ये रेशनल, फिर रियल इरेशनल। तो आपने देखा नेचुरल नंबर वो स्टार्ट हुआ कहां से, वन टू थ्री एंड सो ऑन। इसके साथ ये सेट कैसा है, जो काउंटिंग नंबर है जितने एक्सेप्ट जीरो, हम जब काउंटिंग करते हैं तो कम से कम वन से स्टार्ट करते हैं, जीरो से नहीं, काउंटिंग हमारा वन से स्टार्ट होता है, इसलिए काउंटिंग नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन इज नोन एज नेचुरल। इसी नेचुरल के साथ एक और जब इंडिया ने खोज कर लिया जीरो का, तो फिर होल नंबर बन गया। अब हमारे सारे नंबर कंप्लीट हो गए, सारे डिजिट कंप्लीट हो गए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन। उसके बाद इसी में हमने इंटीजर्स को, इसमें इंटीजर्स के लिए हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर ले लिया, तो ये आपका इंटीजर्स का हो गया। और रेशनल क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म, क्या हो गया, पी एंड क्यू फॉर्म, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पहला कंडीशन। बट
इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आपने इंटीजर्स बोल दिया, पी एंड क्यू क्या बोल दिया, इंटीजर्स, और जैसे आपने फर्स्ट कंडीशन में इंटीजर्स की बात कह दी तो वहां पर ये सारे नंबर आ गए, पी एंड क्यू कुछ भी हो सकते हैं। अब हम यहां पे जीरो भी आ जाता है तो हमें कंडीशन जीरो क्यों लिखना है कि जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्या कंडीशन है, क्यों हमें लिखना पड़ा कि क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो नंबर की कोई वैल्यू नहीं आ पाती, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, और जिसको हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, जिसको हम फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ ये इसका वैल्यू होगा, उसी को हम अनडिफाइंड कहते हैं। यानी कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, और हम लोग जब भी चीजें मैथमेटिक्स की बात करते हैं ईच एंड एवरी टर्म शुड बी डिफाइंड, तो हम अनडिफाइंड में उसे हम सीधा बता देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो आपने देखा कि पूरा आपने पहले से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, ये नाइन्थ में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आपने रियल नंबर के बारे में भी नाइन्थ में पढ़ा था, और रियल नंबर पे नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना सीखा था कि कैसे हम आपको रेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इरेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, ये रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ रखा था। ऑपरेशन आप नेचुरल नंबर का पढ़ा था, आपने रियल नंबर पे ऑपरेशन कुछ कम पढ़े थे, तो उसी रियल नंबर के बारे में आज आपको टेंथ में पढ़ना है। तो आपने अभी तक जो नाइन्थ तक पढ़ा था वो नेचुरल नंबर पढ़ा था, काउंटिंग नंबर, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़ा था, उसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड इंक्लूडिंग जीरो। उसके बाद आपने रेशनल पढ़ा, रेशनल का आपने दो फॉर्म पढ़ा था, पी बाई क्यू फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में भी दो कंडीशन पढ़ी थी कि डेसिमल फॉर्म में एक टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी थी पहले से। उसके बाद ये सारा इरेशनल व्हिच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। इरेशनल के भी दो फॉर्म होते हैं, एक सर्वस फॉर्म में, अंडर रूट फॉर्म में, जैसे अंडर रूट ए, वेयर ए इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी अंदर में ए में ए को कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, तभी अंडर रूट ए क्या होगा, इरेशनल फॉर्म में आएगा। और डेसिमल फॉर्म उसका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। जैसे कोई नंबर जैसे 1.22222 रिपीटिंग हो गया, लेकिन 1.12347389725 लाइक दिस, इफ इट इज नॉट रिपीटिंग तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई इसी तरह से होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो कैसा होता है, वो इरेशनल फॉर्म होता है, रेशनल का। तो डेसिमल और आपने पढ़ा डेसिमल फॉर्म और इस तरह का आपने पढ़ लिया। तो अब उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, रियल नंबर पे ऑपरेशन। पहला आपको जो पढ़ना है रियल नंबर पे, जो पहला ऑपरेशन पढ़ना है वो डिवीजन का। वैसे तो आप लोगों ने डिवीजन सीखा है, लेकिन अगर हम आपको डिवाइड करना सिखाएं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप अगर छोटा सा डिवीजन दें तो आप लोग सोचते हो कि कैसे डिवाइड कर लेते हैं। जो बहुत आसान लगता है कि माइनस माइनस टेन में टू से डिवाइड करना। तो अगर आप माइनस टेन में टू से डिवाइड करते हैं तो ये आपको क्या डिवाइड कर पाते हैं, सिंपली जनरली आप क्या करते हैं, माइनस टेन से डिवाइड करते हैं कि टेन में टू से डिवाइड करते हैं, टू फाइव या टेन, उसके बाद यहां नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जीरो आ जाता है, उसके बाद यहां माइनस साइन है तो कह देते हैं कि माइनस फाइव हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, क्यू कोशिएंट माइनस फाइव हो जाता है। कभी भी डिवीजन नेगेटिव में नहीं होता, पहला कंडीशन आप जान लो जो अभी आप करते आए, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि डिवीजन करते समय, हम डिवाइड करते समय क्यों नेगेटिव साइन नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम माइनस यहाँ टेन लिख देंगे और अगर आप यहाँ टू फाइव या टेन लिखेंगे और यह सब्ट्रैक्ट करने का माइनस ट्वेंटी आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का ये संभव नहीं हो सकता। फिर डिवीजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर में, और इसी के लिए
जो आप 10th में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिवीजन का, वो है यूक्लिड डिवीजन लेना। क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए एक नया सेंटेंस आपके, एक नया वर्ड आपके सामने आया, लेमा। लेमा एक नया आपको वर्ड आपके सामने आया है। तो लेमा होता क्या है? आपने मैथमेटिक्स में हर चीजें स्टेटमेंट के थ्रू आपने पढ़ा है। हर एक मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट आता है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज लेस देन 4। ये एक स्टेटमेंट आप बोलते हैं जब आप दो फॉर्म में मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कोई मैथमेटिक्स के, तो आपने नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया या एक स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट जब आप कहते हैं तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कई प्रकार के होते हैं। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होते हैं जो कभी भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को कहीं जरूरत नहीं पड़ती, गॉड इज ऑलमाइटी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम लोग उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करते, उस पर कोई जरूरत नहीं है कि आप उसमें कोई रीजनिंग लगाओगे। जब लेमा ऐसा ही स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूवन है, द स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, जिस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है और जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज लेमा। तो लेमा इज दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड नॉट नीड टू बी प्रूव, यानी यू कैन से द प्रूवन स्टेटमेंट इज नोन एज लेमा। अब जब जो स्टेटमेंट प्रूव्ड है तो उसका यूज करते हैं टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, तो हम उस लेमा का यूज करते हैं टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो यूक्लिड ने डिवीजन का लेमा बताया कि डिवाइड कैसे करेंगे, किस चीज का लेमा है? डिवीजन का लेमा। तो अभी आपने पहली बात, अभी हमने कहा कि 10 में 2 से डिवाइड करते हैं ना कि माइनस 10 में, यानी डिवीजन इज ऑलवेज फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला स्टेटमेंट ही उनका ये कहता है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो इंटीजर दिए हैं, देयर एग्जिस्ट, जब भी डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे किससे? बी से। तो जैसे डिवाइड करेंगे तैसे दो चीजें आ जाती हैं। फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर। यूनिक पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हो सकता, एक फिक्स डिवीजन के लिए हमेशा फिक्स आएगा। फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स आएंगे क्यू एंड आर, वो इंटीजर्स क्या होंगे? क्यू एंड आर, सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। कैसा रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे? सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहला कंडीशन है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। जब भी हम डिवाइड करेंगे, इसको हमने शुरू में ही पढ़ा दिया था, क्लास 7th में ही आपको पढ़ा दिया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोचिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोचिएंट प्लस रिमाइंडर, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, ये पहले आपने पढ़ा है, लेकिन आपको इस यूक्लिड डिविजन लेमा के नाम से नहीं पढ़ा था। और दूसरा कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जीरो से ज्यादा या जीरो हो सकता है, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, पहला कंडीशन, एंड लेस देन भी होना चाहिए, यानी ए डिवाइजर से छोटा भी होना चाहिए। इसीलिए कभी भी आप 10 में 2 अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 2 6 करके यहां 4 रिमाइंडर नहीं ला सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों 4 नहीं ला सकते रिमाइंडर? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो बी से, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है,
रिमाइंडर बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, और यहाँ बी क्या है 3 है और रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर द, आप कैसे कह सकते हो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लेमा। तो यूक्लिड डिविजन लेमा ने आपको बताया कि रिमाइंडर यहां तक लाना है, आप इसे ऐसे भी नहीं कर सकते कि 10 तो 3, 4 या 12 कर दो और -2 रिमाइंडर कर दो, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये भी कंडीशन नहीं होता। तभी आपको डिविजन पता है कि वहां तक ले जाते हैं जहां तक वो उससे बड़ा ना आने पाए और रिमाइंडर ज्यादा भी ना बचे। तो ये बहुत जरूरी है डिवीजन में, जो आपको पहले से बता दिया गया था। और क्यों ऐसा करते थे आपको ये बात पता नहीं थी, आज आपको ये बात पता हो गई है 10th में आके, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर and where r is greater or equal to 0 but less than b. This condition is very important. You have to say this condition. Without saying this condition, you can't define the Euclidean division lemma. So, agar aapko Euclidean division lemma hai,